हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ले आया हूँ कि विजिटिंग कार्ड के डब्बे का डिज़ाइन कैसे बनाया जा सकता है। एक्चुअली आज मैंने इस डब्बे को बनाया और ये प्रिंटिंग में जाने के बाद कुछ इस तरीके से बन के आया है जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो इस तरह के डिब्बे आज कैसे बनेंगे, इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे, इसके ऊपर का आज का ट्यूटोरियल रहेगा। आप ज़रूरी नहीं है कि खाली विजिटिंग कार्ड का ही डब्बा बनाएं, इस तरीके से आप मिठाई के डब्बे दुकानों पर जाते होंगे तो आपको ऐसे मिठाई के डब्बे मिल जाते होंगे। तो इसी तरह के डिब्बे की डिज़ाइन कैसे बनेगी, इसके ऊपर आज का वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और हम कोरल ड्रॉ पे जाके इस डिज़ाइन को पूरी तरीके से बनाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसा मैंने दिखाया था कि वेस्टिंग कार्ड का डब्बा कैसे बनेगा, तो कुछ इस तरह की डिज़ाइन मैंने बनाई थी। अब मैं सेम टू सेम ऐसे ही डिज़ाइन बना के आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में वो डिज़ाइन बनी कैसे। तो उसके लिए हमें एक साइज़ लेनी होगी, जो कि मैंने एक रफ़ वर्क पे एक साइज़ निकाली हुई थी, वो साइज़ मैं यहाँ फिल कर ले रहा हूँ। तो उस साइज़ को मैं यहाँ फिल कर लेता हूँ। देखिए, इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आप जब भी कोई डिज़ाइन बनाए तो उसके लिए एक रफ़ वर्क कर लें कि आपको साइज़ क्या चाहिए, उसके बाद ही आप उसका एक्चुअल साइज़ ले सकते हैं। तो मैं वो साइज़ ले चुका हूँ, मैं यहाँ पर फिल करके आपको दिखा रहा हूँ कि एक विजिटिंग कार्ड के लिए कितनी साइज़ होनी चाहिए, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मुझे ये जो पहला बीच वाला जो पार्ट है उसके लिए, जो आप साइज़ वहाँ देख रहे होंगे 9.5 है, और जो उसका जो विथ है जो 9.5 है, और जो लंबाई है वो 5.7 है। क्योंकि ये मेज़रमेंट किया हुआ है रफ़ वर्क में, इसलिए मुझे पता है। आप कोई भी डिज़ाइन बनाए तो उसको रफ़ वर्क एक बार ज़रूर करके देख लें, तो उससे बहुत ही अच्छा साइज़ आपको मिल जाएगा। अदरवाइज साइज़ छोटी बड़ी होने का प्रॉब्लम होता है। तो मैं एक ये साइज़ ले रहा हूँ, ये साइज़ मैं यहाँ सेट कर ले रहा हूँ और इसको टॉप ले आता हूँ। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये जो ऊपर है, इसके ऊपर वो डब्बे को क्लोज करने के लिए हल्का सा फोल्ड दिया गया है। तो उस फोल्ड की मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ कि वो फोल्ड कैसे बनेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि मैं 1 सेंटीमीटर का एक और बना लेता हूँ और इसके दोनों कॉर्नर को 1 पॉइंट पे टर्न कर लेता हूँ। 1 पॉइंट पे टर्न करने से क्या होगा कि आप जब भी डब्बे में देखते होंगे उसके कॉर्नर शार्प नहीं होते हैं, वो हल्के से राउंडेड होते हैं। तो दोनों साइड उसके जो हैं मैं उसको राउंड कर लेता हूँ। 1 पॉइंट सफिशियंट है, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 1 पॉइंट सफिशियंट है। आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पे 1 पॉइंट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ कि देखिए यहाँ पे ये बन गया। अब उसके बाद एक देखने वाली चीज़ है कि 100 विजिटिंग कार्ड जब आप एक के ऊपर एक रखेंगे तो उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी होगी। मैंने रख के देखा, मेजरमेंट जो है करीब 4 सेंटीमीटर का आया। तो मैं जो बीच वाला पार्ट है उसको मैं 4 सेंटीमीटर का बनाऊँगा। तो आप भी मेज़रमेंट कर लें कि आपको जो डब्बा बनाना है वो 50 विजिटिंग कार्ड का है कि 100 का है कि 200 का है। तो आप एक बार उतना बोर्ड रख के उसकी मेज़रमेंट कर लें कि हाइट कितनी जा रही है, तो उससे आपको साइज़ लेने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं 4 सेंटीमीटर का एक साइज़ ले रहा हूँ। अच्छा, डब्बा यहाँ से टर्न होगा तो ये एक ऊपर वाली साइड मैंने पहले बना दी कि बैक की साइड उसके नीचे बन गई। अब उसके नीचे जो है वो बॉटम साइड, मतलब उसका बेस, तो जितना ऊपर आप कवर करेंगे उतना सेम नीचे भी कवर करेंगे। तो उसके लिए आपको सेम साइज़ जो ऊपर लिया है 9.5x5.7, वो नीचे भी आपको लेना है 9.5x5.7। तो उसको मैं ले लेता हूँ। और दूसरी तरफ से उसको कवर करना है तो ऑब्वियस है कि एक तरफ की अगर ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तो दूसरी तरफ की भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक तरफ की जो डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो गई है। अब हमको क्या करना है कि साइड वाला बनाना है। तो आप देखते होंगे कि जब डब्बे को ऊपर से जब फोल्ड किया जाता है तो उसके साइड में भी 2 विंग्स होते हैं, वो कैसे बनेंगे। तो वो जितना भी आपकी विथ है उसका आधा लीजिए आप। तो अगर 4 सेंटीमीटर के हमारे विथ है तो उसका आधा लेंगे हम 2 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर पूरी विथ ले लेंगे तो जब भी आप डब्बा बंद करेंगे तो पूरी जो उसकी साइड है पूरी नीचे तक जाएगी, तो वो हमेशा बंद होने में प्रॉब्लम करती है। तो उसकी साइज़ आप आधी लेंगे 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर मैं ले रहा हूँ और इसके भी जो कॉर्नर्स हैं वो मैं टर्न कर ले रहा हूँ। 1 पॉइंट पे हो जाएगा टर्न, तो काफ़ी सही रहेगा। अब सेम चीज़ मैं दूसरी तरफ भी कर दूँगा।
क्योंकि दोनों साइड उसके विंग्स होना चाहिए बंद करने के लिए, फोल्ड करने के लिए। तो सेम चीज़ मैं उधर भी कॉपी कर लेता हूँ और उसको थोड़ा सा टर्न कर लेता हूँ अपोजिट साइड पर, लाइक दिस। ठीक है, अब उसके नीचे क्या है कि जो ऊंचाई है जो मैंने बनाई है ऊंचाई वो 4 सेंटीमीटर की है, तो उसको फोल्ड करने के लिए भी मुझे साइड से उतना ही चाहिए क्योंकि 4 सेंटीमीटर को मैं फोल्ड करूँगा पूरा। तो उसके लिए मैं 4 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का बना ले रहा हूँ साइज डाल के। ओके ठीक है, और इसको मैं सेट कर दे रहा हूँ और इसके भी जो कॉर्नर्स हैं वो 1 पॉइंट पे राउंड कर दे रहा हूँ। सेम चीज़ मैं बगल में भी करूँगा और उसको भी थोड़ा सा अपोजिट टर्न कर दूँगा, तो वो दोनों साइड से डब्बे को पैक करने के लिए तैयार हो जाएगा फोल्ड होके। एक्चुअली क्या होता है, इसकी कटिंग होती है, डाई मेकिंग मशीन होती है, उसमें डाई बनता है, और जब आपकी बोर्ड जाते हैं तो वो एक तरफ आप देख रहे हैं कि चौकोर में डिज़ाइन बनी है और एक तरफ अभी मैं जो बना रहा हूँ वो मैं कट करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली वो कटिंग के बाद बनेगा कैसे, तो आप देखते जाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। मैं इसको भी अपोजिट टर्न कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं लास्ट वाले में क्या करूँगा, उसी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेम डिज़ाइन ही मुझे नीचे भी चाहिए, तो मैं इसको नीचे ले आके सेट कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से, इसकी सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक देखिए पूरा पूरा बन के रेडी हो गया। अब लेकिन मुझे वो चीज़ें बैकग्राउंड और नाम लिखे हुए वो करने हैं, तो उसके लिए मैं एक इमेज डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ, उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। तो इसको पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ स्मार्ट फिल टूल से कि आपको पता चल जाए कि कटिंग किसकी करनी है। तो ये पूरा आपका मेन डिज़ाइन ये है, तो इसी का आपको डाई कटिंग के लिए इसको ऐसे डिज़ाइन बना के देना है कि डाई कट होने के बाद आपका डब्बा सही तरीके से काम कर सके। अब मैं बैकग्राउंड को क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड लगाना है, तो इसको मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से ओके एक सेकंड, ओके ठीक है, मैं जो बैकग्राउंड है उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ जो मैं डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ। वो मैं कहाँ पर रखा हूँ एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ। ओके शायद मैं डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, पर डेस्कटॉप चेक कर लेता हूँ मैं। ओके हाँ यहाँ पे है, मैं इसको इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसको जब इंपोर्ट कर लेंगे और इसकी साइज़ जो है ये पूरा का पूरा डिज़ाइन इसको कवर कर देंगे साइज से। ओके ये पूरा इसको कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें ऑब्जेक्ट पे जाना होगा और पावर क्लिप टूल की मदद से इसके अंदर फ्रेम के अंदर मुझे प्लेस करना होगा। अच्छा ये पूरा मैंने ग्रुप नहीं किया, मैं एक बार इसको ग्रुप कर लूँ तो उसके बाद पूरे फ्रेम में ही आ जाएगा। मैं इसको ग्रुप कर ले रहा हूँ। मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ। अब मैं इसके अंदर जब इसको करूँगा फ्रेम प्लेस कर दूँगा तो ये देखिए इसके अंदर आ गया। आपकी जो बोर्ड होगा वो डाई कटने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा, तो आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको इसी जो जो डिज़ाइन भी बनी है कटिंग के बाद इसी के अंदर आपको डिज़ाइन बनानी है। मेरी डिज़ाइन बहुत सिंपल है, मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ क्या था कि डब्बा का डिज़ाइन तो बनना जो बनना है ही, डब्बे की कटिंग की डिज़ाइन कैसे आपको बनानी है, क्योंकि बस एक चौकोर पे ड्रॉ करके उस पर कोई डिज़ाइन बनाना हो तो वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर आपको डब्बा बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको साइज़ लेनी पड़ेगी। तो मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही था कि आपको कॉन्सेप्ट बता दिया जाए कि एक डब्बे के लिए आपको साइजिंग कैसे करनी पड़ती है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आप जो चाहें वो ब्रांडिंग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा। मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ था बस उसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ
और पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं इसी तरह की अच्छी वीडियोस डेली बेसिस पे ले आता रहता हूँ। डेली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा कोरल ड्रॉ के बारे में, डिज़ाइनिंग के बारे में। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो डिज़ाइन आप देख रहे होंगे, बेसिक जो डिज़ाइन है, ये एक डब्बे का डिज़ाइन बन के रेडी होगी, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था डब्बा, कि वो डब्बा छपने के बाद कैसा हो गया था। तो ये सेम टू सेम मैंने इसी तरह डिज़ाइन बनाई थी, जो प्रिंट के बाद वैसा हो गया था। तो आप भी चाहें तो इस तरह के बॉक्सेस बना सकते हैं। आप समझ गए होंगे कैसा ये बन के रेडी होता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे भी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। इसी के साथ मैं आपसे बोलता हूँ, थैंक यू।